आज सैटरडे है और आज का दिन मेरा कैसे गुजरेगा मैं आपसे शेयर करूंगा। दिस इज़ दी ब्लॉग। और अभी मेरी बाइक बाय रेडी है और मैं जाऊंगा बाइक पे फरियाल की तरफ, वो मेरा वेट करिए। हमने एक करना है शूट जिम के अंदर और चलो मेरे साथ चलो, आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊँ मेरा सामान बिखरा पड़ा है और इसको पैक करते हैं और निकलते हैं। द ब्यूटीफुल क्वीन माई लव इज माई बाइक। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसकी मॉडिफिकेशन के लिए मुझे अभी काम करवाना है। एक इसकी बैक लाइट और दूसरा इसकी डिस्क ब्रेक, दो तीन इश्यूज़ हैं अब बस वो रह चुके हैं। देन दिस इज़ रेडी टू गो। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे जिम पे और मैंने प्रोडक्ट रेड शूट किया है और मेरे साथ हैं फरियाल राणा और उनसे बात करते हैं कि ये अपनी फिटनेस का कैसे ख्याल रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सलाम, कैसे हैं सर? और मुझे बताएं अपनी फिटनेस का क्या राज क्या है इसके पीछे? फिटनेस का राज ये है कि हेल्दी खाना खाएं, जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करें और बस लोगों को टेंशन ना रहे, परेशानी ना रहे और खुश। मुझे ये बताएं अभी हमने जो एड शूट किया आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, मुझे तो वैसे भी उस्मान का काम बहुत अच्छा लगता है, तो जिसने वीडियो इस तरह की प्रोमो शूट या कुछ भी करवाने हैं तो उस्मान जो है बेस्ट ऑप्शन है। चलें, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी फिर कभी किसी वीडियो में। जिम का शूट था और बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी मेहनत की है इसके डिफरेंट शॉट्स सेलेक्ट करने में। और अभी मैं जा रहा हूँ वापस अपनी बाइक पे और रोड बहुत मज़े का है, थोड़ी सी गर्मी भी है। मैं अपनी ग्लासेस आई थिंक जिम में भूल गया हूँ तो मुझे अब वैसे ही जाना पड़ेगा। और यार बाइक की जो ब्रेक है ना मुझे वो प्रॉब्लम कर रही है, अभी ग्रीन ब्लॉक इशारा आ गया यहाँ से टर्न करना। सो नाउ गाइज आई एम गोइंग टू पैकेज मॉल वेयर मी एंड विकास आर इनवाइटेड बाय सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर। सो आई एम हेयर विद विकास चौधरी, वी आर इनवाइटेड एट पैकेज मॉल एंड फैमिली गाला। लुक एट दिस मैन रिएक्शन, मुझे बगैर बुलाए ये इधर आ गए। और अवैस भाई हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। सो टेल मी अबाउट योर बैंड। दिस इज म्यूजिक सोल हमजा। हाय ब्रो, हाउ आर यू? गुलाम अब्बास और हमारे मास्टर और म्यूजिक सोल आज परफॉर्म करेगा, स्पेशली हमारे ट्रिब्यूट कर रहे हैं हम हमारी ट्रैफिक पुलिस को जो अपना काम बखूबी से करती है। सो आज उनके ट्रिब्यूट्स हैं। आज एक जो बड़े नामवर थे ट्रैफिक पुलिस के जो शहीद हुए हैं उनकी डॉटर भी आई हुई है यहाँ पर, तो उनको भी ट्रिब्यूट करेंगे इंशाल्लाह ताला। चलें सही है आपको वैसे देखकर यहाँ। और मेरे लिए फिर आज गाओगे? आपके लिए क्यों नहीं गाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? तो मुझे आज बुलाया है
सिटी ट्रैफिक पुलिस वालों ने एक इवेंट में, मैं यहाँ पे आया हूँ पैकेजेस मॉल, और मेरे क्वेश्चन था, बहुत दिनों से रेज हो रहा था और सोचता था, मैं सोच आता था, ख्याल आता था इस बारे में कि जब बहुत गर्मियों में एक ट्रैफिक पुलिस वाला सड़क पे खड़े होकर हमें गाइड कर रहा था, तो हम एज अ पाकिस्तानी हमारे क्या फ़र्ज़ जो हमें अंजाम देना चाहिए। आप पब्लिक से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे साथ ताबून करो। देखिए, हमारा सड़क पे गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश, तमाम जो मौसमी हालात हैं उनको बर्दाश्त करने का एक ही मकसद है, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो है ना उसको कायम करना। और आप एज ए पब्लिक जो रोड यूज़र हैं, जो रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग की जान बचा। एक समस्या काम वही होती है जो ट्रैफिक रूल्स को वे करती है, फॉलो करती है। इन केस अगर ट्रैफिक वार्डन चौक में नहीं भी है, सिग्नल चल रहा है, तो हमें एक महजब कौम का सबूत देना है और हमें रूल्स को, सिग्नल्स को फॉलो करना है। एक आपने देखा होगा कि भेड़ बकरियों का जो रेवड़ जा रहा होता है वो कितना अनडिसिप्लिन सा लगता है सड़क पे या कहीं गुजरते हुए, लेकिन हम अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो हमें तो एक नमूना होना चाहिए, एक बेस्ट डिसिप्लिन का नमूना होना चाहिए। देखिए जी, हम लोग तो आपके लिए खड़े हैं, आवाम के लिए खड़े हैं, अगर हम बारिश में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और हम आपकी गाइडेंस के लिए हैं, आपकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए हैं, तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हमारी आपसे कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ आप जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उनको ओबे किया करें ताकि आप खुद भी सिक्योर रहें और पूरी आपकी जो फैमिली वो भी सिक्योर हो। हमारा CTPL का सिर्फ ये एम है कि हमने जितना हो सकता है आपको फैसिलिटेट करना है और जितना हो सकता है आपकी लाइफ को सिक्योर। कहते हैं कि इंसान को जिस चीज़ का शौक़ हो उसको उसी तरह के लोग मिल ही जाते हैं, जैसे कि मुझे मिल गए और अब मैं खुश हूँ। वापसी की तरफ निकल पड़ा हूँ, मेरा कैमरा एग्जॉस्ट हो चुका था इसलिए मैंने सोचा मोबाइल ऑन कर लूँ, और आज का दिन मसरूफियत भरा, बहुत कुछ डेली रूटीन में ना लर्न करने को मिलता है, सीखने को मिलता है, रोज़ कुछ ना कुछ नया कर रहा होता हूँ, तो इस मेक मी मोर परफेक्ट। मेरा आगे उम्मीद है कि फिल्म एंड टेलीविज़न में एडमिशन हो। मैं रूटीन से स्टूडियो जाता हूँ और इसकी प्रैक्टिस करता रहता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत अरसे से कंटेंट के बारे में सोच रहा था, बट मेरी जो लाइफस्टाइल वीडियोस थी बहुत कम बन रही थी, तो मैंने सोचा कि आज का दिन आप लोगों से शेयर किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त अपने मेज़बान उस्मान अफजल को। क्यों अभी बाय द वे मैं जा रहा था ठोकर न्याज बेग पे, मेरा निकलते साथ ही दिल कर रहा था कि मैं चाइनीज़ राइस और मंचूरियन खाऊँ, तो अभी मैं उधर जा रहा हूँ और घर वापस ले जाऊँगा और वहाँ पर खाऊँगा। ओके, सी यू गाइस। आज कैमरा तो नहीं था, नहीं तो आपको स्लोमो भी दिखाता। अल्लाह हाफिज़, बाय, सी यू।